हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर एक्स क्वेश्चन नंबर सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10 द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो। ठीक है, एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर है वो रेशियो में गिवन है आपको। जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 8 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स के कंपैरिजन में, तो आपको क्लास की पूरी टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है कि कितनी है। सो कम टू द सॉल्यूशन। सो नाउ हम क्या करेंगे, रेशियो में है तो हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज भी हम इसको रेशियो में है तो हम इसे 7x एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन हमें स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी टोटल कि कितनी है क्लास में। तो हम सेम गर्ल्स का नंबर भी हम 5x ले लेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स भी 5x। ओके, नाउ अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ बॉयज इट इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज कितने हैं, 7x है, इज मतलब इज इक्वल टू कितने ज्यादा है गर्ल्स से, गर्ल्स कितनी आपकी 5x है, कितनी ज्यादा है गर्ल्स से, 8 ज्यादा है। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन, सॉल्व दिस इक्वेशन 7x, ये एक्स एक्स वाली टर्म एक साइड कर देंगे, यहाँ प्लस का 5x इधर आके माइनस का 5x इज इक्वल टू 8, 7x माइनस 5x इज 2x इज इक्वल टू 8। नाउ x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 दैट इज 4, सो द वैल्यू ऑफ x इज 4। जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज, हमने नंबर ऑफ बॉयज कितना एज्यूम किया था 7x, सो 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने एज्यूम किया था 5x, तो द वैल्यू ऑफ x इज 4, सो 5 4 20। सो टोटल स्ट्रेंथ, टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालनी है। तो आपको पता है क्लास कैसे फॉर्म होती है, गर्ल्स और बॉयज को मिलाने से ही आपकी कोई क्लास बनती है। सो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर देंगे। सो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी हो गई आपकी, 48 स्टूडेंट्स की। सो इन क्वेश्चन नंबर 11, बेचिंग के जो फादर है वो क्या है, 26 ईयर छोटे हैं बेचिंग के ग्रैंडफादर से और 29 ईयर्स बड़े हैं बेचिंग की एज से, तो जो सम है तीनों की एजेस का वो कितना दे दिया है आपका, टोटल 135 ईयर्स दे दिया, तो आपको तीनों की एज निकालनी है। सो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले लेट बेचिंग्स फादर एज, बेचिंग्स के फादर की एज आप कितनी ले लोगे, एक्स एज्यूम कर लोगे। ओके, नाउ बेचिंग्स के ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, ग्रैंडफादर एज कितने बड़े हैं वो, बेचिंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचुंग्स ग्रैंडफादर, मतलब जो बेचुंग के फादर है वो 26 ईयर छोटे हैं बेचुंग के ग्रैंडफादर से, दैट मीन्स बेचुंग के ग्रैंडफादर 26 ईयर बड़े हैं बेचुंग के फादर से, तो बेचुंग के फादर की एज एक्स है, कितने साल बड़े हैं, 26 ईयर्स बड़े हैं। ओके, नाउ बेचुंग्स एज, बेचुंग की एज कितनी है, अब आगे के चले 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग, बेचुंग के जो फादर है वो बेचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, दैट मीन्स बेचुंग क्या है अपने फादर से 29 ईयर्स छोटे हैं, बेचुंग के फादर की एज एक्स है, तो कितने छोटे हैं बेचुंग अपने फादर से, 29 ईयर्स छोटे हैं, सो एक्स माइनस 29, और इन तीनों की एजेस का सम आपको दे दिया 135 ईयर्स, एक्स एक्स प्लस 26 और एक्स माइनस 29 इज इक्वल टू 135 ईयर्स। ओके, नाउ आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक्स प्लस एक्स इज 3x, प्लस माइनस इज माइनस, 29 माइनस 26 इज 3, ग्रेटर नंबर इज 29, सो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे 135। ओके, नाउ 3x
माइनस का थ्री उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, प्लस का थ्री, सो 138। सो यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 4 12, 3 6 18। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 46। नाउ हमने ऊपर, हमको तीनों की एज निकालनी, हमने बैचुंग के फादर की एज एक्स ली थी, दैट मीन्स बैचुंग के फादर की एज कितनी आ गई आपके पास, 46 है। बैचुंग्स फादर एज इज इक्वल टू एक्स, जो कि आपके कितने इयर्स हैं, 46 इयर्स हैं। बैचुंग्स ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर एज जो कि आपने कितनी एज्यूम की थी ऊपर, एक्स प्लस 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि आपको गिवन था कि 26 इयर्स बड़े हैं बैचुंग के ग्रैंडफादर, बैचुंग के फादर से, तो एक्स प्लस 26 आप एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, 46 प्लस 26 विच इज 72 इयर्स। ओके नाउ बैचुंग्स एज कितनी ली थी ऊपर, x माइनस 29 गिवन था कि 29 इयर्स क्या है, बैचुंग छोटे हैं अपने फादर से। ओके तो फादर की x माइनस 29, फादर की एज 46 माइनस 46, x की वैल्यू 46 थी माइनस 29। ओके 17 इयर्स बैचुंग की एज आ गई है। ओके नाउ इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। ठीक है आज से 15 साल बाद, ठीक है आज से 15 साल बाद रवि की एज क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज के। सपोज अभी आपकी उम्र कितनी है, 5 इयर्स है, ठीक है मैं आज से 15 साल बोलूं, आज से 15 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, आप 15 साल प्लस कर दोगे, दैट मीन्स आप आज से 15 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, अभी आपकी एज 5 साल है, आज से 15 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 20 इयर्स। सेम क्वेश्चन में है, हम रवि की प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लेते हैं एक्स है, लेट रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स। ओके रवि की प्रेजेंट एज को हमने एक्स ले लिया है, आफ्टर 15 इयर्स के बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी, ठीक है 15 इयर्स फ्रॉम नाउ आज से 15 साल बाद रवि की एज क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट, 4 टाइम्स प्रेजेंट एज कितनी है एक्स। ओके नाउ व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, ठीक है 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि की प्रेजेंट एज एक्स है, तो एक्स में 15 प्लस करेंगे किसके इक्वल हो जाएगी, आप 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज जो कि आपके पास 4x है। ओके नाउ आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, 15 इज इक्वल टू प्लस का एक्स है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, ये जाएगा आपका 3x, 4x माइनस x दैट इज 3x, 15, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 दैट मीन्स 5। ओके नाउ रवीज प्रेजेंट एज निकालनी थी, तो रवीज प्रेजेंट एज हमने x ली थी, सो द वैल्यू ऑफ x इज 5 इयर्स। ओके रवि की प्रेजेंट एज आ गई आपके पास कितनी, 5 इयर्स।